अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। ध्वस्त कराया गया नोएडा का ट्विन टावर, 40 मंजिला भवन को गिराने में 9 मिनट का समय लगा, जिस पर सरकार को 17 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करना पड़ा। नोएडा का ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2002 में बनी इस भवन को 2004 में अप्रूवल मिला था। भवन को 10 मंजिला बनाया जाना था, लेकिन कंपनी ने मनमानी करते हुए इसे पहले 20 मंजिला बनाया, फिर 30 किया, फिर 40 मंजिला बना दिया, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट में चुनौती दिया। हाई कोर्ट ने बिल्डिंग को ध्वस्त कराने का आदेश जारी कर दिया। सुपरटेक कंपनी बचाव में सुप्रीम कोर्ट गई, जहां से उसे राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। सुपरटेक कंपनी के द्वारा 900 फ्लैट बेचे जा चुके थे। सवाल खड़ा होता है कि जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा था, उन लोगों के पैसे का क्या होगा। अदालत ने सुपरटेक कंपनी को आदेश जारी किया है कि सभी लोगों का पैसा 12% ब्याज की दर से वापस किया जाए। किसी भी क्रेता को नुकसान नहीं होना चाहिए। भवन को ध्वस्त कराने में सरकार द्वारा खर्च किया गया 17 करोड़ 80 लाख रुपए भी सुपरटेक कंपनी से वसूला जाएगा।